नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। जदि आप चैनल को प्रथम आसन दयाकर चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। भिडियो भल लगे भिडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, भूलें पाखे बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे, जहाद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। तो आसन देखिए आज खबर की कौन अच्छी ना, ये आप देखिपे जो टाइटल मुझे लिखी पेंशन ने होपे बड़ पर। तो जो सरकारी कर्मचारी अच्छा से मानी खुशी खबर आसब कि जो आप जानते जो ओल्ड पेंशन को नहीं जो वर्तमान दाबी चली सारा देश में केंद्र सरकार कर्मचारी हूँ कि राज्य सरकार कर्मचारी हूँ से माने दाबी कर ओल्ड पेंशन पुणि थे लागू कराऊ। तो से उपरे तो ये आप गोटे चिठी देखिपे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर तरफ गोटे चिठी जोटा आ तापर आम आज आलोचना करवा। आलोचना पूर्व आम देखिपर जे ओल्ड पेंशन को नहीं आप जानते जो देशभर में जो आंदोलन होता दिल्ली में मध्य रामलीला मैदान आप देखि जे सारा देशर जो सरकारी कर्मचारी मैंने अच्छा से मैंने के गोटे जनसमुद्र कहले न कहले अतित्व हम ना जनसमुद्र पड़े लोक जोटि से मैंने ओपीएस को नहीं ओल्ड पेंशन को नहीं सरकार विरुद्ध गर्जी दाबी करते ओल्ड पेंशन एनपीएस को आउ ग्रहण करें नहीं ओल्ड पेंशन बा पुराना पेंशन लागू करा जाओ बोली। ता सहित सारा राज्य अलग अलग राज्य से राज्य सरकार कर्मचारी सेमती डिमांड करते ये आप देखिपे जमी नवंबर में सेवराल थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉई एंड पेंशनर बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट गैदर एट द रामलीला मैदान इन दिल्ली डिमांडिंग द सेंटर टू ब्रिंग बैक द ओपीएस इमीडिएटली। तो रामलीला मैदान ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर्मचारी मैंने समस्ते मिसी ओल्ड पेंशन को आउ थ फेर आने सरकार विरुद्ध सरकार को गुहारी करते सरकार को डिमांड करते खूब शीघ्र से आउ थ ओल्ड पेंशन लागू करा सहित आप देखिपे जो रेलवे एम्प्लॉय अच्छा रेलवे एम्प्लॉय मैंने वर्कर्स मैंने थ्रेटन टू स्टॉप ऑल ट्रेन सर्विसेज अक्रॉस इंडिया फ्रॉम मे 1 इफ देयर डिमांड टू इम्प्लीमेंट ओपीएस इज नॉट मेट। ताले सेमान मध्य दाबी करथिले जदि ओपीएस तांको पई लागू कराना जाए जो रेलवे कर्मचारी एवं वर्कर मान अछंती तो मे 1 रु सेमाने समस्त ट्रेन देशभर में बंद करेंगे। तो यहपर भाव में अनेक डिमांड विभिन्न कर्मचारी मान करथिला। तो आसन देखिबा आज ये चिठीटी कौन अच्छी ये आप देखिपे चिठीरे जे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ईवी ब्रां तरफ चिठीटी आ कौटा अच्छी ना 15 मार्च 2024 ये चिठीटी आप देखिपे लेखाई डेट पड़ी 15 मार्च 2024। तो यहाँ कौटू कौट की अच्छी टू श्री शिवगोपाल मिश्र सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल जो स्टाफ साइड अच्छी कन्वेयर जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम जो अच्छी मानने पुराना पेंशन स्कीम रो जो जॉइंट फोरम गोटे अच्छी तार जो वर्तमान कन्वेयर अच्छा श्री शिवगोपाल मिश्र जी अच्छा कन्वेयर तक पाखु गोटे चिठी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस तरफ गोटे आसाला जो ओल्ड पेंशन को दाबी हो गोटे पाक चिठी आसी कौन लगे कमिटी चेयर्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन नेशनल पेंशन सिस्टम जो न्यू पेंशन सिस्टम अच्छी नेशनल पेंशन सिस्टम अच्छी ताकू नहीं गोटे कमिटी जो गठन कराई से कमिटी उपरे चिठीटी थी जे न्यू पेंशन स्कीम रे किसी परिवर्तन करा जीवो ना ओल्ड पेंशन स्कीम को आणिबो सेतिपई स्टाफ साइड कर्मचारी सरकारी कर्मचारी एवं सरकार को परस्पर मध्य जो आलोचना चली पर्यालोचना चली कर्मचारी मैंने कहते आमर नेशनल पेंशन सिस्टम रे कौन सी परिवर्तन आवश्यक ना जो एनपीएस अच्छी से एनपीएस रे कौन सी परिवर्तन दरकार ना आमर सीधा ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छी आमर से डिमांड किंतु सरकार दाबीटा को एपर्तंत ग्रहण करना तो से ही चिठीट अच्छी आस देखा कौन ये लिखाई सर द कमिटी इज इन रिसीव द फॉलोइंग रेफरेन्स फ्रम द रिप्रेजेंटेटिव अफ द स्टाफ साइड अफ जेसीएम जॉइंट जेसीएम जो अच्छी नेशनल काउंसिल जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन तापर जी लेटर नंबर ये आप पढ़ी आप देखिपे लेटर नंबर जो पड़ी 1004 डेटर 3/7/2023 फ्रॉम लीडर स्टाफ साइड द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल काउंसिल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडियन डिफेंस सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन तरफ ऑल इंडिया डिफेंस सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन ता सहित द्वितीय जोटा अच्छी लेटर नंबर देखिए
आमर जे आर ओपीएस जो ओपीएस रो जॉइंट फोरम जो अच्छी ताकू नहीं कि अंतरिश एक एक नौ 2023 आज कन्वेयर ऑफ जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकिन चिठीटा था जो लेटर नंबर ताकू नहीं कि तीन नंबर आप देखिपारे तीन नंबर जोटा रिसेंट है द लेटर नंबर जोटा जे एफ आर ओपीएस एन जे सी ए 2023 डेटेड 17/1/2024 आज कन्वेयर ऑफ जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम तो यहपरी भाव में तीन टा जो रेफरेंस लेटर थिला ताकू नहीं कौन कहुच्छे ना द कमिटी हाज बीन एंगेजिंग विथ द स्टाफ साइड ऑफ द जेसीएम एंड हाज हैड मीटिंग ऑन 9/6/2023 5/7/2023 एंड मोर रिसेंटली गोटे ये आप देखिपे मोर रिसेंटली 14/3/2024 14 तारीख मान मार्च 14 तारीख रे गोटे कमिटर गोटे जॉइंट फोरम सहित जो फाइनेंस सेक्रेटरी जो कमिटी फॉर्म है से कमिटी सहित गोटे मीटिंग होता 14/3/2024 से कमिटी द इश्यू रेज्ड हैव बीन टेकन नोट फॉर द नोट बाय द कमिटी ताले जो इश्यू अच्छी ये आप देखिपे जो इश्यू रेज्ड हैव बीन टेकन बाय द कमिटी ताले जो कमिटी फाइनेंस सेक्रेटरी को चेयरमैनशिप जो कमिटी गठन कराई स्टाफ साइड रू जो पेंशन को लेकिन जो इश्यू अच्छी से इश्यू को कमिटी ग्रहण माने कमिटी ताकू नोट करी बा नेची द कमिटी इज एक्टिवली कंसीडरिंग द मैटर इन कंसल्टेशन विथ द स्टेट गवर्नमेंट ताले एटी क्लीयरली मेंशन अच्छे आप देखिपे द कमिटी इज एक्टिवली कंसीडरिंग द मैटर इन कंसल्टेशन विथ द स्टेट गवर्नमेंट तार्थ राज्य सरकार जो मैंने अच्छा आम देश में आप जानते जितेटा राज्य अच्छी केंद्र सरकार जो कमिटी गठन कर फाइनेंस सेक्रेटरी अध्यक्षतार से कमिटी कौन कर ना विथ कंसल्टेशन विथ द स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार सहित कंसल्टेशन कलापर जो स्टाफ साइड रू जो पेंशन को लेकिन जो दाबी अच्छी कमिटी से नोट डाउन करीगुड़िक राज्य सरकार सहित कंसल्टेशन कलापर कमिटी तार गोटे फाइनाल रिपोर्ट प्रोड्यूस कर जोटा कि सरकार को प्रदान करवर्त पर्यायर सरकार तापर एक बड़ निष्पत्ति ने जोटा कि उभय स्टाफ साइड एवं सरकार को सुहला भाया निष्पत्तिपे कि स्टाफ साइड जो डिमांड कर डिमांड फुलफिल हो पारे से देखाई योर सिंसियरली गुलभीना बाधन जी अच्छा डेप्युटी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लिखाई पाखर चिठीटी आसला ए चिठी चिठीटी लिखाई तो आज खबरटी जदि आपको खबरटी भल लगे दयाक आप चैनल को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करने को भूलें एवं पाखे बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे जहाद्वर आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट जो आम सब आम चैनल छाड़ू आपड़ नुआ नुआ अपडेट सब पारे तो आज खबरटी धन्यवाद।